सो गाइस, अब आप जान सकते हैं व्हाट्सएप से किसी की भी लोकेशन, लाइव लोकेशन। पहले क्या था, पहले हम किसी को लोकेशन शेयर कर सकते थे अपनी, लेकिन वो आती थी स्टिल लोकेशन, यानी कि हम किसी जगह पर खड़े हैं तो हमने लोकेशन शेयर पर क्लिक किया और उसके बाद में हमारी वहाँ पर एग्जैक्ट पोजिशन थी वो शेयर हो जाती थी। बट उसके बाद में अगर हम मूव हुए लेकिन वो पोजिशन वहीं से शेयर रहेगी। सो गाइस, लेकिन इस फीचर में आप बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप लाइव लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पर है, और मैं पूरा एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं इन्फो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ओपन कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे ही कर सकते हैं आप ये, और किसी अदर सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं एक और फ़ोन ले लेता हूँ। तो गाइस, चलिए मैं इसको लाइव एग्जाम्पल करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना होगा ये फीचर को। गाइस, सबसे पहले आपको इस पर जाना होगा, यानी हम इस फ़ोन की लोकेशन अपने फ्रेंड के साथ में, इसके साथ में हम शेयर करना चाहते हैं। तो करना क्या होगा, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोकेशन पे क्लिक करना है। जब हम लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड योर करंट लोकेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर ऑलरेडी पहले भी था, तो अब ये आ गया शेयर लाइव लोकेशन। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग, यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है शेयर लाइव लोकेशन। टाइमिंग दे रखी है 15 मिनट, 1 घंटा, और मैक्सिमम इस पर दे रखा है 8 घंटे। तो आप जैसा भी करना चाहें, अपने फ्रेंड से किसी से 15 मिनट का अगर कोई मीटिंग रखी है, 15 मिनट में मिलना चाहते हैं तो ठीक है, और ये 1 घंटे का है और ये 8 घंटे का। तो चलिए मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, सिर्फ 15 मिनट का। 15 मिनट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉलो मी। मैंने इस पर इस तरीके से कमेंट कर दिया, कोई इमोजीज भी सेंड कर सकते हैं, और इसको मैंने शेयर कर दिया अपने फ्रेंड के साथ में। तो जब मैं शेयर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लोकेशन शेयर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप शेयरिंग, यानी कि इसका फीचर आ रखा है, जब भी आप लोग रुकना चाहें बीच में। ऐसा नहीं कि आपने 15 मिनट का कर रखा है या फिर 8 घंटे का कर रखा है, तो जब तक लोकेशन आपकी शेयर होती रहेगी। आपने स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक किया और आपकी लोकेशन शेयर होना बंद हो जाएगी। अब अपने फ्रेंड के में आते हैं, फॉलो मी, यानी कि जो कमेंट मैंने इस फोन से इस पर किया था वो कमेंट इस पर आ गया है, और यहाँ पर दे रखा है व्यू लाइव लोकेशन। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे फ्रेंड की जो लोकेशन है वो आ चुकी है, और अभी जो है AI के नाम से, यानी कि प्रोफाइल जो मैंने AI की लगा रखी है इन्फो की, यहाँ पर मैंने प्रोफाइल लगाई हुई है। आपने कोई सी भी इमेज लगा रखी हुई तो आपके फ्रेंड के फ़ोन में आपकी इमेज यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि लोकेशन आपने शेयर की हुई है। यहाँ पर लोकेशन दिखेगी, फिर आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी लोकेशन दिखा रखी है, यहाँ पर मेरे फ्रेंड की लोकेशन दिखा रखी है, यानी सेम एग्जैक्ट पॉइंट पर हम दोनों हैं, यानी कि दोनों फ़ोन जो रखे हैं एग्जैक्ट पॉइंट पर रखे हुए हैं। अगर इन केस ये फ़ोन थोड़ा सा दूर होता, लगभग 1-1.5 किलोमीटर ये वाला फ़ोन, और ये यहाँ पर होता, तो लोकेशन इस तरीके से चलती रहती हमारी। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सबको मिल पाए और ईजी हो अपने फ्रेंड को सर्च करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और किसी भी तरीके की कोई वीडियो आपको मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।